हाय गाइस, आज की हमारी रेसिपी है पोटैटो चीज़ बॉल्स। बहुत ही ज़बरदस्त हैं, यम्मी से हमारे पास ये रेडी हो चुके हैं। इनको रेडी करने के लिए हम ले लेंगे यहाँ पे बॉयल्ड पोटैटो, साथ में थोड़ा सा चिकन का पीस फॉर टेस्ट, ब्रेड क्रम्स ले लेंगे, साथ में एक अदद अंडा ले लेंगे, उसको हमने फेंट लिया है। हम चीज़ स्लाइस यहाँ पे यूज़ करेंगे और साथ में हम लेंगे नमक, काली मिर्च पाउडर, हरा धनिया और थोड़ा सा लाल मिर्च। अंडे को हमने अच्छी तरह फेंट लिया है और यहाँ पे हमने ले लिए हैं आलू। आलू को अच्छी तरह बॉयल करके आपने छील लेना, बॉयलिंग के दौरान थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर देना है। और यहाँ पे चिकन, हमने एक बोनलेस चिकन का पीस रखा था सिर्फ टेस्ट के लिए। अच्छी तरह हमने क्या काम करना है, जितना भी हमारे पास ये पोटैटो है इसको अच्छे से मैश कर लेना है। आप चाहे तो हाथों की मदद से इसे मैश कर लें, हम यहाँ से फॉक की हेल्प से कर रहे हैं। साथ में ही हम यहाँ पे चिकन ले लिया, चिकन के आपने रेशे रेशे कर लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा, हर बाइट में हमारे पास टेस्ट आएगा। बेसिकली है तो ये पोटैटो चिकन बॉल्स है, बट ये मेरी फरमाइश पे मम्मी ने थोड़ा सा चिकन इसमें ऐड कर दिया। अच्छी तरह हमने इसको मैश कर लेना है ताकि चिकन और पोटैटो एक जैसे हो जाएं। उसके बाद हमारे पास जो स्पाइसेस और हरा धनिया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इनको फॉक की हेल्प से हम अच्छी तरह मैश करेंगे। इस प्रोसेस को हम दोहराते जाएंगे जब तक हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्ती स्टफिंग सॉफ्ट सी तैयार नहीं हो जाती। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बच्चों को खिलाएं स्नैक्स में, ये बहुत ही यम्मी है और यकीन माने बहुत ही टेस्टी थी। और अच्छी तरह फॉक की हेल्प से हम इसे जो है मैश करते रहेंगे और ये हमारे पास ये हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब हम यहाँ पे ले लेंगे चीज़ स्लाइस। मोज़रेला चीज़ की जगह हमने यहाँ पे जो है चेडर चीज़ यूज़ की। आपने क्या काम करना है, बिल्कुल इसी तरीके से इतने अमाउंट में स्टफिंग ले लेनी है, इसी तरीके से इसके बॉल बनाने और थंब की हेल्प से इनमें थोड़ी सी डेप्थ क्रिएट कर देनी है, ठीक है। जैसे ही थोड़े से डीप होंगे आपने एक स्लाइस के 3 से 4 हिस्से कर लेने, आपकी मर्ज़ी है जितना मर्ज़ी आप इसे चीज़ी बनाना चाहते हैं। उसके बाद हम स्टफिंग के दरमियान में इन स्लाइस को रखेंगे और हाथ की मदद से इन्हें राउंड राउंड से इनकी शेप बना देंगे, ठीक है। गोल सी शेप बनाएंगे इसकी हर स्लाइस बॉल के साथ। हम यही वाला प्रोसेस दोबारा दोहराएंगे। आप चाहें तो इसके अंदर जो येलो चीज़ होती है वो यूज़ कर लें या आप दूसरी मोज़रेला चीज़ यूज़ कर लें। हम यहाँ पे चेडर चीज़ यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इस टाइम यही मार्केट में अवेलेबल थी, बट यकीन माने इसका भी टेस्ट बहुत ज़बरदस्त रहा था। यहाँ पे 5 हमने थोड़े से जो हैं 5 अदद रेडी कर लिए हैं हमारे पोटैटो चीज़ बॉल्स। अब आपने क्या काम करना है, अंडे की कोटिंग करनी है। अंडे की कोटिंग के बाद यहाँ पे हम इसको अच्छे तरीके से क्रम्स की कोटिंग करेंगे। वापस हम क्या काम करेंगे, इसको अंडे में एक बार फिर से कोट करेंगे। इससे जो इसका ऊपर से जो कोट है वो बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा, ठीक है, क्रिस्पी सा रहेगा। उसके बाद हम क्या काम करेंगे, इस प्रोसेस को दोहराएंगे। आप याद रखें टोटल 2 बार आपने करनी है। आप चाहें तो क्रम्स की जगह चीटोस वगैरह यूज़ कर लें उनके क्रम्स बना के। यहाँ पे हमारे पास जी ज़बरदस्त से क्रम्स में लगे हुए जो हैं बॉल रेडी हो चुके हैं। आपने क्या काम करना है, पैन को बहुत लो फ्लेम पर रखना है। हम इनको लो फ्लेम पर बनाएंगे तो ये जलेंगे नहीं, ये डेप्थ से जो हैं वो फ्राई होंगे। आपने क्या काम करना है, इसको फ्राई कर लेना है, बहुत ही ध्यान से इनको मूव करना है, ठीक है। हमारे पास जो गोल्डन से पोटैटो बॉल्स हैं वो रेडी हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आराम आराम से हम इसे स्टिर करते रहेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त यम्मी से लग रहे हैं और ये देखें जी कितना ज़बरदस्त गोल्डन कलर जो है वो निकल आया है बाहर। बिल्कुल इसी तरीके से इसे हिलाते रहें। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, यकीन माने। और गाइस प्लीज़ मेरी मामा के चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ इनको वॉच टाइम वगैरह दें। इनकी आपकी सपोर्ट की इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत मेहनत करनी है मेरी अम्मी। और वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखा करें। यहाँ पे एक जो हमारे पास पोटैटो बॉल था वो फट गया था चीज़ की वजह से, ज़्यादा चीज़ थी। देखें यहाँ पर अब हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे, अच्छे से ऑयल को निकाल लेना। देखें ज़बरदस्त से हमारे पास चीज़ पोटैटो बॉल्स रेडी हो चुके हैं। गाइस इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, घर पर बनाएं, बहुत ही सिंपल और आसान सी है। और फीडबैक हमें दिया करें आपको कैसी लगी, और अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। और कोरोना है तो बाहर के खाने से परहेज़ करें और घर पे ऐसे स्नैक्स जो हैं वो तैयार करें और अपने बच्चों के साथ शेयर करें। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को थम्स अप देना बिल्कुल ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।